अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज हम ऐसी कंपनी लेंगे जो पेंट से है, जिसका नाम है बर्गर पेंट्स। उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 10 सालों का, किस प्रकार से उसका प्रदर्शन रहा, किस प्रकार से उसके फाइनेंशियल रहे। अल्टीमेटली जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें उन शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिसपे से हमें अच्छा रिटर्न मिल सके, एक मल्टी बैगर हो सके। तो हम 10 सालों के रिटर्न भी आपको बताएंगे कि आपका पैसा 10 सालों में पिछले कितने गुना कर दिया है, उस हिसाब से कितना पोटेंशियल है कि आने वाले समय में, आगे के 10 सालों में, 15 सालों में या 5 सालों में हमें कितना कंपनी कमा के दे सकती है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आज का जो हम कंपनी की वेबसाइट पर आ चुके हैं बेसिक जानने के लिए। देखिए पेन से रिलेटेड है, इनका यह कहना है कि ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ बर्गर पेन्स रिफ्लेक्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ इट्स फाउंडर लेविस बर्गर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रांड बेवरेज बर्गर वे बैक इन 1760 इन द यूके। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1760 इन द यूके विथ मॉडेस्ट बिगनिंग्स इन इंडिया इन 1923 में इनकी जो शुरुआत हुई थी भारत में, आज़ादी से पहले हुई थी 1923 में। टुडे बर्गर पेंट्स इंडिया लिमिटेड इज द सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन द कंट्री विद अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बींग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग पेंट कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑन द पास्ट फ्यू ईयर्स। कितनी बड़ी बात कह दी कि सेकेंड लार्जेस्ट। हमें कौन सी कंपनी चुननी चाहिए जो लीडर हो अपने सेक्टर में, तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो यहाँ पर तो उन्होंने कह दिया सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन हम इसके फंडामेंटल देख के हम बोलेंगे कि किस प्रकार की कंपनी है, क्या हमें आने वाले समय में इसमें कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो बढ़ते हैं बेसिक जानने के लिए। बर्गर पेंट्स इंडिया 361 रुपये के भाव पे जो इसकी क्लोजिंग हुई है, आज है 5 सितंबर 2019 और समय हो चुका है 4:33, मार्केट बंद हो चुकी है। और जो इसका साल का लो बनाया था इसने 260 रुपये और हाई था 373, यानी हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक साल पहले जिन्होंने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए थे उनको 11% से ज़्यादा का रिटर्न है। देखिए ऐसी गिरावट में, जबकि मार्केट में पिछले 1.5 साल से 2 साल से बेयरिश है, नॉट बुलिश, तो ऐसे में अगर कोई स्टॉक टूटने की बजाय अगर हरे के निशान पे कुछ परसेंट रिटर्न भी दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। नॉट फॉर दिस बेसिस, बल्कि और भी हम कुछ चीज़ें देखेंगे। तो एक साल में 11% से ज़्यादा की रिटर्न है और 6 महीने पहले जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको भी 18% से ज़्यादा की रिटर्न मिल रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। मार्केट कैपिटल इसकी 34,946 करोड़ की और फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की। ओवरऑल जो इनका अर्निंग पर शेयर है और जो स्टॉक प्राइस है 361, दोनों को मिला के जो रेशियो निकलता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 64.96 का है और प्राइस टू बुक है 14.21, डिलीवरी इसकी 31% के आसपास है। चलिए हम डिविडेंड, यहाँ पे इन्होंने 0% लिखा, हम देखते हैं आगे दूसरी साइड पे कि डिविडेंड पे करता है या नहीं करता है, वो भी हम दिखाएंगे। और हाँ, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 21%, जो कि एक नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास है। अब हम जान लेते हैं कंपनी के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स, उसके बाद हम कुछ वर्षों का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। तो देखिए मार्च 19 से जो जून 19 में अगर हम सेल्स में कंपेयर करते हैं, तो जहां 19 में थी 1472 करोड़ की, वहीं जून 19 में हो गई, यानी क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 1717 करोड़ की, यानी कि अपसाइड है, ग्रोथ है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट में आते हैं, शुद्ध लाभ में, तो जहां मार्च 19 में यानी क्वार्टर फोर में थी इनकी 110 करोड़ की नेट प्रॉफिट, वहीं हो गया 176 करोड़ की बढ़ के 2019 में जून में, तो यहां पे भी ग्रोथ है। और अगर हम इनके कुछ वर्षों के देख लेते हैं हिस्ट्री की, किस प्रकार से सेल्स में या नेट प्रॉफिट में इनका किस प्रकार से रहा ट्रैक रिकॉर्ड, तो देखिए मार्च 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लेके यहाँ पे मार्च 19 तक के हैं अवेलेबल। और अगर हम नंबर्स देखते हैं तो कंसिस्टेंट जो है यहाँ पे ग्रोथ है, कहीं भी किसी वर्ष यहाँ पे नेट सेल्स में इनकी डाउनसाइड हमें देखने को नहीं मिल रही है, ये एक अच्छी बात है ना, ईयर के एंड के जो क्वार्टर का।
और नेट प्रॉफिट में भी अगर हम देख रहे हैं तो जहां 2008 में हुआ करता था इनका 93 करोड़, बढ़ते हुए यहां पे थोड़ा डाउन साइड आया, लेकिन अगेन फिर यहां पे इन्होंने कंसिस्टेंट जो ग्रोथ यहां पे दिखाई है लगातार साल दर साल इनको जो है मुनाफा होता गया, और ट्रेलिंग 12 मंथ यानी कि 538 करोड़ का यहाँ पे अभी आंकड़ा दिख रहा है। तो एक अच्छी कंपनी का, अब देखिए होता क्या है, हमें ऐसे प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं कि हम किस प्रकार के स्टॉक्स चुने, जो कुछ चीज़ें जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। पेंट्स सिर्फ ऐसे नहीं कि घर भर में पुताई उताई, वो तो होता ही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, बहुत सारे कलरिंग में यूज़ होते हैं। तो जो पेंट्स का काम है, इतने घर बनेंगे, हर साल घर का कलर या कुछ सालों बाद फेड हो जाते हैं, फिर से रिनोवेशन होता है, फिर से उसकी पुताई होती है, तो जो इनका प्रोडक्ट है वो लगातार बिकता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब प्रोडक्ट बिकेंगे, जब इनकी नेट सेल्स होगी, मुनाफा होगा, आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, कंपनी कमाएगी तो आपको भी कमाएगी, ये नोट याद रखिएगा कि कंपनी अगर कमा रही है तो आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं, 10 साल में 14% के आस ज़्यादा की है, और 5 सालों में 10% ज़्यादा की है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा की है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी जो है 3 सालों का जो हम लास्ट देख लेते हैं तो 10% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी शानदार दिख रहे हैं नंबर्स, 22% से ज़्यादा की ग्रोथ है। अगर हम इनके पास कुछ रिजर्व्स देख लेते हैं कि कंपनी के पास कर्जा कैसा है, तो रिजर्व्स देखते हैं तो रिजर्व्स इनके पास जो मार्च 19 में जो आंकड़े दिख रहे हैं 2376 करोड़ के हमें दिख रहे हैं, कि मतलब इनके पास इतना पैसा है, डिविडेंड तो पे करते ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि इतना जब मुनाफा पैसा कंपनी के पास आता है रखा हुआ है, या एक्सपेंशन में भी लोग लगाते हैं। बोरोविंग्स इनके पास 520 करोड़ का है, जो कि एक नथिंग है, चाहे तो एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। ये तो रहे इनके जो है कुछ रिजल्ट्स के आंकड़े, और कुछ इनके जो प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट, और अगर हम 10 सालों के इनके रिटर्न देख लेते हैं तो 10 सालों में देखिए, जिन्होंने 1,00,000 रुपए, एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, लगाए थे इस कंपनी में, आए इनके शेयर्स में, तो उनका पैसा हो चुका है 1513 यानी कि 16,13,000, यानी 1,00,000 रुपया आपका जो है 15 गुना हो चुका है। 5 सालों के जो रिटर्न है 184% के हैं, 3 सालों में 40% के, 1 सालों में 13% के, ईयर टू डेट 9%, बाकी तो हम देख ही चुके हैं। तो इसे कहते हैं मल्टी बैगर। अब 10 साल में अगर आपका पैसा 15 गुना कर दिया है, क्या चाहिए भाई साहब आपको? तो बहुत ही शानदार कंपनी है बर्जर पेंट्स, और हम आप सभी परिचित हैं इनके प्रोडक्ट से, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने घर में इस्तेमाल भी करते हों पुताई में। और रही बात कुछ बेसिक चीज़, जैसे कि डिविडेंड हिस्ट्री देख लेते हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इन्होंने जो है 190% का डिविडेंड दिया था। अगर हम इनके फेस वैल्यू देखते हैं एक की है, तो इस हिसाब से इनकी ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि प्रमोटर्स के पास कैसी होल्डिंग है। तो डिविडेंड के हिस्ट्री का पेज जो है खुल रहा है, और लगातार इन्होंने जो है हर वर्ष इन्होंने डिविडेंड पे किया है, और 2019 में भी देखिए 26 जुलाई को इन्होंने 1.90 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया है। तो इट्स अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक कंपनी। और अगर हम कुछ इनके प्रमोटर्स के भी होल्डिंग देख लेते हैं, और जो अगर हम प्रमोटर्स के पास हैं 75 एक शानदार नंबर है, और बाकी जो FIIs हैं, DIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास 25% के आसपास, तो प्रमोटर्स के पास ज़बरदस्त होल्डिंग है। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देख लेते हैं, तो UTI इक्विटी फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड है, लार्सन एंड टूर्बो मिड कैप फंड है, L&T टैक्स एडवांटेज फंड है, तो काफ़ी स्कीम्स ने पैसे यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो एक बेहतरीन, एक शानदार कंपनी। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोग इसमें निवेशित हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो तो बने रहें, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी का प्रदर्शन कितना अच्छा रहा है। और जो लोग लेने की सोच रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपनी स्टडी खुद की भी करें, अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के माध्यम से,
और कंपनी बढ़िया है, चाहे तो थोड़ा देखिए क्या होता है ऐसी गिरावट में, जब मार्केट का रुख बेयरिश है तो ऐसे में आप चाहें तो 100 रुपये अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो 10 रुपये पहले इन्वेस्ट कीजिए, 90 रुपये बचा के रखिए, मार्केट है, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया 10-12 स्टॉक का, और अगर आपको लगता है कि पेंट्स के कोई स्टॉक आपके पास नहीं है, तो चाहे एशियन पेंट हो, चाहे बर्जर पेंट्स हो, या फिर और भी कई कंपनियाँ हैं, तो उनके किसी और दिन मैं बनाऊँगा उस पर वीडियो या रिव्यू दूंगा। आज बर्जर पेंट्स पे किसी हमारे सब्सक्राइबर्स के रिकमेंडेशन पे मैं बना रहा हूँ। तो इसमें यही मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मुझे प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से महंगा लग रहा है, बट कंपनी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बाइंग की जा सकती, वो भी कब, जब थोड़ी सी गिरावट में हमें मिले तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भविष्य में। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।